الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم غوث أعظم بمن بسر سامى مدد قبلے دی مدد کعبے مدد واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا بارگاہ نبوت و رسالت میں احترام و عقیدت بصد ہزار خلوص و محبت کے ساتھ نذرانے درود و سلام پیش کر لیجئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاد الجود والکرم صلاتوں و سلام علیک یا رسول اللہ سیدنا مولا علی مشکل کشا داماد مصطفی صاحب حل عطا اول المسلمین جناب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں محبت میں جب غلو ہو جائے تو آنکھیں عیب دیکھنے سے اندھی ہو جاتی ہیں اسی طرح اگر عداوت کے پردے پڑے ہوں تو خوبی اور کمال نظر نہیں آتا اور سیدی سرکار اعلی حضرت
इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत सैयदना शाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, नात कहना तलवार की धार पर कदम रखना है, हमदे इलाही कहना आसान मगर नात कहना बड़ा मुश्किल, इसलिए कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो मकाम वो मर्तबा है कि इस मर्तबे को कमा हक्कहू तो अल्लाह ही जानता है, मगर इंसान अगर नाते रसूल में बे एहतियाती करे तो दो हाल से खाली नहीं, अगर गुलू करेगा तो औसाफ इलाहिया से मुत्तसिफ करके वो भी हलाक होगा, और अगर तनकीस करेगा तो तौहीन का मुजरिम होकर तब भी हलाक होगा। इसी तरह मनाकिबे औलिया और अपने ममदूहीन के फजाइल बयान करने में भी इंतहाई एहतियात की जरूरत है। शाहे मर्दा शेर यजदा कुवते परवरदिगार जब शहीद किए गए, आपकी अलमनाक शहादत मस्जिद में हुई, खवारिज के इंतहाई बदतरीन फर्द ने आपके रुखे अनवर पर पेशानिये पुरनूर पर तलवार चलाई, जिसकी खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले दे दी थी। फरमाया था, अली क्या हाल होगा तेरा जब ये तेरा चेहरा खून से रंगीन हो जाएगा, और हुजूर ने फरमाया कि तेरे कातिल पर अल्लाह ताला निस्फे दुनिया का अजाब करेगा, यानी आधी दुनिया पर जितना अजाब, दूसरी आधी दुनिया का तनहा अजाब कातिल मौला अली पर होगा। वो अली जिनकी अजमत और बुजुर्गी का हाल कि आका फरमाए मन कुंत मौला हो फअलीयुन मौला, मैं जिसका आका हूं अली भी उसके आका, मैं जिसका सरदार अली भी उसके सरदार। हालात की संगीनी का ये हाल के शहादत के मरहले से गुजर रहे हैं, पेशानिये नाज से खून की धारें बह रही हैं, सिफ्त पैगंबर सैयदुल अरब जनाब इमाम हसन मुस्तफा से फरमाया, मेरे कातिल को पहले ठंडा पानी पिलाओ। सुभान अल्लाह, कुर्बान उस फतह खैबर की सखावत के, हमें आपको गाली देने वाला पकड़ में आ जाए तो गर्दन मरोड़ दे। साहिबे ज़ुल्फ़िकार की पेशानी पर तलवार चलाने वाला गिरफ्तार हो गया, फरमाया उसे ठंडा शरबत पिलाओ, और जब मेरी शहादत हो जाए, मेरी मौत हो जाए तो मेरे क़िसास में उसे कत्ल कर देना। और वसाया शरीफ में यह भी फरमाया, मेरी कब्र को पोशीदा रखना कि अंदेशा है खवारिज मेरे विसाल के बाद मेरी कब्र की बेहुरमती करेंगे। रात की तन्हाई में हसन मुस्तफा ने गुस्ल दिया, आपके गुलाम अंबर मौजूद इंतहाई राजदारी के साथ जनाजा तैयार किया गया, जनाजे का ऐलान नहीं हुआ था, बड़े मैदान में जनाजा नहीं लाया गया था। रात की तन्हाई में खानदान रिसालत के चश्मो चराग इमाम हसन मुस्तफा ने जनाजे की नमाज पढ़ाई।
एक रिवायत में यह है कि दारुल इमारत कूफा ही में दफन किया गया, और एक रिवायत यह है कि दफन के चंद दिनों के बाद लाश है मुबारक निकाल कर एक ऊंट पर लेकर रात की तारीकी में निकले, एक मकाम पर पड़ाव किया काफले ने। कुदरत इलाही मशीयत रब्बानी के वो ऊंट नाश है मुबारक के साथ लापता हो गया। तलाश बिस्यार के बाद न मिला, अल्लाह ही जानता है जमीन के किस हिस्से में मौलल मुस्लिमीन का मजार है। अलबत्ता मशहूर तो यही है कि नजफ अशरफ में मजार है, मगर ये कतई नहीं है। तारीख मुख्तलिफ रिवायतें पेश करती हैं। सिर्फ इस गोशे पर मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा, बाद जनाजे वो हैं जिसे पढ़ने वाला जन्नती हो जाता है, और कुछ जनाजे वो होते हैं कि जिनके पढ़ने से जनाजे वाला जन्नती होता है। और फिर नस्बत खाक रबा आलमे पा तकाबुल हम असरों के दरमियान होता है, तकाबुल मुआसरीन के दरमियान होता है, दर्जात की यगानगत में होता है। कहां सहाबी रसूल, कहां एक मर्द कलंदर दौरे हाजिर का पेशवा। बारगाह रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसे वजाहत और बुजुर्गी की सनद अता की गई हो, उस फातह खैबर के जनाजे में किल्लत अफराद, बदनसीबी है उनकी जिन्होंने आका अली की अदावत में आंख खोली। खुश नसीब हैं वो लोग जो मोहब्बत अली में जीते हैं, मोहब्बत अली में मर जाते हैं। उसी अली के बेटे, उसी अली के वारिस, उसी फातह खैबर के जलवों का आईना शहंशाह बगदाद, पीरे पीरा, मीरे मीरा, कुतब जमाना, कुतबुल अख्ताब, फर्दुल अफराद, गौसुल अगवा, शाह जीलां, अबू मोहम्मद मुहय्युद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी की बारगाह में आइए नजर अकीदत हम पेश करते हैं। बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद इमादल जूद वल करम, सलातों व सलामन अलैके या रसूल अल्लाह, सलातों व सलामन अलैके या हबीब अल्लाह। कलामे मुफ्ती आजम के चंद अशआर हैं। मुफ्ती साहब तुगला ने बड़ी शानदार तकरीर फरमाई, और हकीकत तो यही है कि बुजुर्गान दीन के वाकयात में इबरत है नसीहत है। अगर ये पंदो नसाह और ये मवाइस हमारे दिलों पर असर न करें तो दावे मोहब्बत हमारा झूठा है, अकीदत का ये ज़ोम हमारा बातिल है। शर्त ये है कि हम अगर मोहब्बत करते हैं तो उनकी पैरवी की हम कोशिश भी करें। मतला मुलाहजा फरमाएं। तजल्ली नूरे कदम गौसे आज़म, तजल्लिये नूरे कदम गौसे आज़म। सानी मिसरा याद नहीं आ रहा, मुलाहजा करें। खुदा तुमको रखे हमारे सरों पर, खुदा तुम हमारे सरों पर, तुम्हारा ही बस एक दम गौसे आज़म, तजल्ली नूरे कदम गौसे आज़म। तेरी दीद की शौक में जाने जाना, ये नायब गौसे आज़म मुफ्ती आज़म हिंद का विज़दान है। और हमारे अंदर तो ये मलका है नहीं कि हम उनकी दीद की आरज़ू में जी, हम तो अपने मसारिफ अपने मशागिल में गुम हैं। ये मर्तबा तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का है, और वो फरमा रहे हैं
तेरी दीद की शौक ने जाने जाना, तेरी दीद की शौक ने जाने जाना, खिंचाया है आँखों में दम गौसे आज़म, खिंचाया है आँखों में दम गौसे आज़म, और कोई दम के मेहमान है आ जाओ इस दम। जरा शायरी में लफ्जों की बंदिश और उनकी मानवीयत की इनफरादियत मुलाहजा करें। दमे नज़र आओ कोई दम के मेहमान है आ जाओ इस दम, कोई दम के मेहमान है आ जाओ इस दम, करो हम पे यासीन दम गौसे आज़म, करो हम पे यासीन दम गौसे आज़म। और दमे नज़वा आओ के दम आए दम में, दम में दम आ जाना। हर जगह ये दम मुख्तलिफ माना में है। दमे नज़वा के दम आए दम में, तुम्हें देख कर निकले दम गौसे आज़म, तुम्हें देख कर निकले दम गौसे आज़म, ये आँख ये दिल है जिगर है, ये आँख ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म, तजल्ली नूरे कदम गौसे आज़म, न पल्ला हो हल्का हमारा ना हम हो, न तो हमारी नेकियों का पल्ला हो हल्का और ना हम हल्के हो जाए। जरा आरजू देखे, न पल्ला हो हल्का हमारा ना हम हो, न बिगड़े हमारा भरम गौसे आज़म, न बिगड़े हमारा भरम गौसे आज़म, कहाँ तक हमारी खताएं गिनेंगे, कहाँ तक हमारी खताएं गिनेंगे, करो अफ़ो से सब, करो अफ़ो सब एक कलम गौसे आज़म, करो अफ़ो सब एक कलम गौसे आज़म, हमारी खताओं से दफ्तर भरे हैं, हमारी से दफ्तर भरे हैं, करम कर के हो कल आदम गौसे आज़म, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म, तुम्हारे करम का है नूरी भी प्यासा, तुम्हारी
मुल्का है नूरी भी प्यासा, मिले यम से उसको भी नमगो से आजम, मिले यम से उसको भी नमगो से आजम। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्म सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मादनी जुद वल करम सलातम व सलामन अलैक या रसूल अल्लाह। अपनी मजलिसों और अपनी महफिलों को हकीकत पसंदाना और हकीकत आशना बनाने का हमें हौसला रखना चाहिए। याद रखें, वक्ती जज्बात और समा खराशी ये अलग चीज है, मगर हमारे बुजुर्गों का चूंकि ये तरीका रहा है कि महाफिल बाज या महाफिल मीलाद, इसका मकसूद अव्वल ये है कि कौम की रहबरी रहनुमाई और इस्लाह अमल व अकायद का फरीजा अंजाम दिया जाए। दोस्तों, एक बात बिलउमूम हमारा मुखालिफ तबका आम तौर से बयान करता है कि सुन्नियों के यहाँ किस्से कहानी के अलावा कोई इल्मी बात नहीं होती है, ये सिर्फ कहानियाँ सुनाते हैं, किस्से सुनाते हैं। हालांकि वो जालिम इस किस्से की हकीकत को अगर समझ लेते तो अपने एतराज़ जाहिलाना से वो रुजू कर लेते और निदामत के आंसू बहाते अगर तौफीक इलाही उन्हें मिलती। मगर मैंने पहले ही अर्ज कर दिया है कि तासुब इनाद की अगर ऐनक आंखों पर चढ़ा दी जाए तो दिन का आफ्ताब भी बावजूद रोशन होने के वो नजर नहीं आता। किस्सा कहा जा रहा है, सुन्नी किस्से बयान करते हैं, हम बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहे हैं, किस्सा हम सुन्नी ही नहीं बयान करते, किस्सा तो हमारा परवरदिगार बयान फरमाता है। अहकमुल हाकिमीन किस्से बयान फरमाता है और कितने एहतमाम के साथ वो किस्सा बयान हो रहा है। रब इरशाद फरमाता है, नहनो नकुस्सु अलैका अहसनल कसस, ए हबीब हम तुम पर एक किस्सा बयान कर रहे हैं, ऐसा किस्सा जो सारे किस्सों में सबसे बेहतरीन है। अहसनल कसस, आखिर ये कौन सा किस्सा है जिसे रब्बे कायनात बयान भी फरमा रहा है और अहसनल कसस भी फरमा रहा है। आम किस्सा नहीं है, ये किस्सों का सरदार है। रब फरमाता है, नहनो नकुसो अलैका अहसनल कसस बिमा औहैना कुरान, ए महबूब हम तुम पर एक बेहतरीन किस्सा बयान कर रहे हैं, वो अजीम शान किस्सा जो हम तुम्हारी तरफ वही कर रहे हैं, तुम्हें हम कुरान में बयान कर रहे हैं। कैसा पाकीजा किस्सा है वो, कैसा अजीम मर्तबत किस्सा है वो। अहसनुल कसस इसे रब ने फरमाया, जब हम इसकी तरफ तवज्जो करते हैं किसका जिक्र है इसमें, किसका वाकया इसमें बयान है, तो देखा यह जा रहा है इसमें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया जा रहा है, औलादे याकूब की दास्तानें बयान की जा रही हैं, और फिर औलादे याकूब में उस महक कामिल का तस्करा किया जा रहा है, उस सिद्दीक पैगंबर का तस्करा किया जा रहा है जिसका बचपना भी मलाहत और शादमानी के जलवागा है, जिसकी जवानी भी इफ्फत और तहारत और पाकीजगी की अमानत है, जिसके जलवों का यह हाल है कि दुनिया मुख्तलिफ हीले ने करके उसे अपनी तरफ माइल करना चाहती है, मगर वो दुनिया को ठोकर मारता है, निगाहों को जमाले इलाही में मुस्तकरक कर देता है। उन फवाने शबाब की मंजिलों पर फाइज होने वाला, ये कदे राना रखने वाला, जिसके रुखे ताबा की तजल्ली का ये हाल है कि जब मिस्र की औरतों ने जनाबे जुलेखा पर ताना किया था कि जुलेखा अपने ही एक जवान गुलाम पर फरेबता हो गई है, उसका दिल लुभाती है, उसे अपनी तरफ माइल करती है, उन्होंने जनाबे यूसुफ का जलवा नहीं देखा था, हुस्न की तजल्ली नहीं देखी थी, मलाहत नहीं देखी थी, जनाबे यूसुफ के लबे मुबारक को नहीं देखा था, रुखे ताबा नहीं देखा था, पेशानी का जलवा नहीं देखा था। मिस्र में खबर आम हो गई है कि मिस्र की वो मलिका, अजीज़े मिस्र की वो बीवी जिसका हाल यह है कि हजार खुद दाम और कनीज
है, जिसके दाएं बाएं घूम रहे हो, दुनिया की सारी नेमतें जिसके पास हो, अपने ही जर खरीद गुलाम पर फरेबता हो गई है, उसे लुभा रही है। जुलेखा ने मिस्र की तमाम बानुओं को इकट्ठा किया, तमाम उस जमाने की मोहतरम और बावकार औरतों को इकट्ठा किया, जो बड़े कबीले के सरदारों की बीवियां थी, जो मालदारों के घरानों की बीवियां थी, उन्हें जमा किया गया। कीमती आरास्त, कीमती और मुजय्यन नशिस्तों पर उन्हें बिठाया गया। उनके हाथों में फल दिया जनाबे जुलेखा ने, और फल के साथ एक चाकू भी दिया। कहा, जब हम तुमसे कहें तो इस फल को अपने चाकू से तराश देना, जरा तवज्जो चाहूंगा। यही वाकया कुरान करीम में है, इसी को अहसनुल कसस रब्बे कायनात फरमा रहा है। कहती है जुलेखा, जब हम तुम्हें कहें तो इस फल को काट देना। यहाँ औरतों को इस बात पर मामूर किया, और जनाबे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, ऐ मेरे दिल के सरताज, ऐ मेरी रूह के मालिक, ऐ मेरे जज्बात का किबला, ऐ मेरी आरजुओं का काबा, मेरी एक गुजारिश है कि रुखे पाक से चिलमन हटाकर इस मजमे निसा से बस ऐसे ही गुजर जाइए। जनाबे सैयदना यूसुफ सिद्दीक अलैहिस्सलाम नबी इब्ने नबी है, अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें भी नबी बनाया, वालिद भी नबी है, चचा भी नबी है, दादा भी नबी है, बाप भी नबी है, नबियों के घराने का ये शहजादा है। 9 साल की उम्र में जिसे बाप से जुदा करके भाइयों ने तख्त-ए-ज़ुल्म बनाया था, जिसे मश्क-ए-सितम बनाया था, जिसे बाजार में कौड़ियों के मोल बेच दिया था, आज वो पैगंबर हजरत यूसुफ सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जवानी की दहलीज पर है। रानाए हुस्न को आप सिर्फ यहां से मुलाहजा कर लें कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रुखे अनवर से नकाब उल्टा है। जुलेखा ने औरतों से कहा, अपने फल को काट लो, मगर औरतें हैरत ज़दा हैं, टिकटिकी बांधे देख रही हैं, निगाह जमाने यूसुफी का तवाफ कर रही हैं, और यहाँ फल काट रही हैं। फल क्या कटना था, उंगली कट गई, खबर न हुई, दूसरी उंगली कटी, एहसास न हुआ, तीसरी उंगली कटी, पता न चला, चौथी कट गई, खून से लिबास रंगीन हो गया, एहसास बाकी न रहा, हैरत ज़दा होकर कहने लगी, अरे ये इंसान नहीं है, ये तो कोई मुकर्रब फरिश्ता है, ऐसा हुस्न रखने वाला। यूसुफ सिद्दीक अलैहिस्सलाम माइल करने वाली कितनी बासर खातून, वो भी अपने जमाने में यगाने हुस्न है। मगर यूसुफ सिद्दीक अलैहिस्सलाम ने कैद खाने के कोड़ों का इस्तकबाल किया, जुलेखा के नर्म बिस्तरों को ठोकर मार दिया। यही तो तालीम मकसूद है, पैगंबर का तरीका अपनाओ। मासियत रब्बानी में किसी मखलूक की इताअत नहीं की जाएगी, इताअत इलाही में कोड़े की जरबे पड़ी बर्दाश्त कर लेना, कैदो बंद की सौबतें उठानी हो बर्दाश्त कर लेना, मगर गुनाह की तरफ आगे न बढ़ना। कुरान करीम ने फरमाया, ला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फाहिशतन व सा सबीला, जना के करीब भी मत जाना, ये बेहयाई का रास्ता है, ये बड़ा गंदा रास्ता है। जना न करना ये तो बात की बात है, जना के करीब भी मत जाना, यानी मजामीर के करीब मत जाना, खुली हुई औरतों के करीब मत जाना, मर्द औरत के इख्तलात की मजलिसों में मत जाना। ये किस्सा अहसनुल कसस कह के कुरान ने बयान किया, पता ये चला कि अच्छों का तस्करा ये अहसनुल कसस हुआ करता है। नबियों का तस्करा अहसनुल कसस होता है, जहां नबी का तस्करा हो वो ऐसा वैसा किस्सा नहीं है। नहनो नकुसो अहसनुल कसस कह के इस किस्से को अल्लाह ने बुलंदी अता फरमाई। आज हम सालिहीन का तस्करा कर रहे हैं, नबियों की औलाद नहीं, नबी आखिरुज़्ज़मा की औलाद का तस्करा कर रहे हैं, जिसके रगो पै में दौड़ने वाला खून ज़ोहदे फातिमा की आबरू बनकर दौड़ रहा है, जिसकी रगों में गर्दिश करने वाला लहू शुजाते मुर्तजवी का मुजाहरा कर रहा है, शहीद करबला शाह गुलगुल कबा की शहादत का जलवा पेश कर रहा है।
रसूल पाक के तने बे साया का साया अतम है जनाबे गौसे आजम। मुस्तफा के मौजजात में से एक मौजजा है जनाबे गौसे आजम। शहंशाह बगदाद पीराने पीर पीरे दस्तगीर जिनके दहलीज से विलायतें मिलती हैं, जिनके दरवाजे पर पड़ा रहने वाला कुत्ता भी शेरों से अफजल व आला होता है। निस्बत हो जाए तो खाके दरे वाला की अजमत का ये हाल के सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे तवाफ काबा करता है तवाफे दरवाला तेरा काबा करता है। और काबा मुअज्जम हजरत राबिया बिशरिया के तवाफ के लिए आया। तो गौसे आजम तो राबिया बिशरिया से बहुत अफजल हैं, क्योंकि जनाबे राबिया बसद हजार कमाल और खूबी के खातून हैं और गौसे आजम शाह जीलां आला हजरत फरमाते हैं बहुत से ताबईन से अफजल हमारे गौसे आजम हैं। बहुत से ताबईन से अफजल हैं गौसे आजम। अल्लाह ताला ने अपनी आयतों में एक आयत बनाकर जनाबे गौसे आजम को दुनिया में भेजा। शहंशाह बगदाद पीराने पीर पीरे दस्तगीर रोशन जमीर रदी अल्लाह ताला अन्हु। आज हम उनका तस्करा कर रहे हैं। उनकी सीरत में अकीदे की पुख्तगी भी है, अमल की बालीदगी भी है, नजारत भी है, बशारत भी है। जो उनका हो जाए जहन्नम में नहीं जाएगा, जो कादरी हो जाए वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। सच्चा कादरी हो जा, कादरी है सरकार आला हजरत सुभान अल्लाह, कादरी है मुफ्ती आजम, कादरी है सैयदी ताजु शरिया। ऐसा कादरी तो बन के दिखा, ऐसा कादरी बन के दिखा। वैसे तो बहुत कादरी घूम रहे हैं, पादरी हो गए। कादरी देखना है इमाम मोहम्मद रजा को देख। जिसका हाल ये है कि दरे ख्वाजा से भी कुछ मिलता है तो कहते मेरे गौस ने दिया है, महबूबे इलाही से मिले तो कहा मेरे आका ने दिया है। यकदरगीर मोहकमगीर और कहते हैं मजरे चिश्त हो अजमेर, मजरे चिश्त बुखारा। नहीं वो मिसरा दूसरा है। कौन सी किश्त है बरसा नहीं जिस पे बरसा नहीं झाला तेरा, मजरे चिश्त हो बुखारा हो कोई इलाका हो, फैजान की बारिश अगर कहीं हुई है तो गरीब शहंशाह बगदाद वो तुम्हारी ही तो बारिश करम है, शहंशाह बगदाद ही की तो अता है। और आप देखें शहंशाह बगदाद की शान ये है कि विलायत जिसे मिलती है उन्हीं की दहलीज से मिलती है। फतेह बाबे विलायत मौला अली मुश्किल कुशा हैं और तकसीम विलायत उनके बाद उनके फर्जंद गौसे आजम कर रहे हैं। खानदान नबूवत के ये शहजादे हैं। विलायत यहीं से मिलना है, करामत यहीं से मिलना है। ये जिसे चाहे अता फरमा दे, जिसे चाहे सल्ब फरमा ले। सल्ब फरमा लिया था तो एक पीर का जौम बड़ा बढ़ा हुआ था, सारी करामतें ढह गईं, विलायत का मेयार मुनहदिम हो गया। और हाल यह हुआ कि दुनिया की जिल्लतों नकबत में जा पड़े, मगर जब जागे हैं आंख खुली है कदम गौसे आजम पर आए हैं तो जो कुछ सल्ब किया था उससे सेवा अता फरमा रहे हैं। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला विलायत अता फरमाने वाले, जिंदगी देने वाले, मौत देने वाले, हाँ जी मौत देने वाले। अल्लाह ताला ने इन्हें इस कायनात में मुदब्बिरातुल अम्र में से है गौसे आजम। तदबीर करने पर अल्लाह ने इन्हें इख्तियार दे दिया है। इनका हाल ये है कहर से देख ले
शादाब चमन जल जाए और मुस्कुरा दे तो अंधेरे में उजाला हो जाए। एक रवायत है, गौसे आजम का कहर देखना। शहंशाह बगदाद रदी अल्लाह तआला खानकाह में जिक्र फिक्र और मुराकबा तक महदूद किसी शेख का नाम नहीं है। पीराने पीर दस्तगीर रजी अल्लाह तआला अन्हु दरसगाहे इल्म के उस अजीम शेखुल हदीस का नाम है जहां बड़े बड़े नक्काद उलमा तिफले मकतब नजर आते हैं। एक बार हुजूर पीराने पीर दस्तगीर रजी अल्लाह तआला अन्हु वाज फरमा रहे थे, तकरीर फरमा रहे थे, कुरान की तफसीर बयान कर रहे थे। हसद हर जमाने में लोगों को होता है, किसी की बुजुर्गी से हसद, किसी की दौलत से हसद, किसी की महबूबियत से हसद, किसी की खुशहाली से हसद। और याद रखो, हासिद का हसद महसूद का कुछ नहीं बिगाड़ता, हासिद खुद ही जल करके मर जाता है। आपने देखा नहीं, अल्लाह ने जब खातमियत पैगंबरी का ताज रखा है नबी पर तो हसद करने वाला अपने जमाने का अबू आमिर राहिब कहलाता था, अबू आमिर फासिक बनकर कत्ल होता है ओहद में, नारे जहन्नम में चला जाता है, गुमनाम हो जाता है। ओहद में नहीं मरा था, शाम में जाकर गुमनाम होकर मर जाता है। हसद करने वाला इब्ने उबै तबाह हो जाता है, और जो हसद न करे, नेमतों पर राजी हो जाए, मोहब्बत का मुजाहरा करे, वो अबू कुहाफा का बेटा होता है, अबू बकर होता है। अल्लाह उसे सिद्दीक अकबर बना देता। करने वाला तबाह हो गया, तस्दीक करने वाला आबाद हो गया। आप ख्याल करें, हसद करने वाले गौसे आजम के जमाने में भी थे कि ये अजमी अरबी नहीं है, बगदाद का रहने वाला नहीं, जीलान का, हमारे बगदाद में आकर के लोगों को गर्विदा बना लिया है। मजलिसे वाज में 70-70, 80-80 हजार लोग जमा हो रहे हैं, ऊंटों और घोड़ों से सफर करके आ रहे हैं। आम मोमिनीन नहीं, औलिया सालिहीन कामिलीन ये सब आ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं। तो कुछ लोगों को हसद हुआ सरकार बगदाद का इम्तिहान लेने के लिए 50 उलमा की एक जमात तैयार की गई। तारीख में उन उलमा में हजरत अल्लामा इब्ने जौजी का नाम भी आता है। अपने जमाने के ये भी बड़े नक्काद थे, और हदीस की छान फटक में इन्होंने वो कोशिश की है कि बाद सही अहादीस को भी इन्होंने मौसूआत में डाल दिया। ये हजरत इब्ने जौजी भी हैं, 50 उलमा में ये गए गौसे आजम की मजलिस में। पहले ही तैयारी कर ली गई थी कि जब पीराने पीर बयान शुरू करेंगे तो वहां से खड़े होकर एतराज करना, अभी वो तुम्हारा जवाब दे ही पाएंगे कि यहां से तुम खड़े होकर जवाब देना। 50 आलिम अपने अपने एतबार से एतराजात खूब अच्छी तरह याद करके पहुंचे, मगर ये तो वली की बारगाह है जो सिर्फ इल्म जाहिर नहीं रखता, जिसके पास इल्म लदुन्नी है, जो खुद नहीं बोलता उसकी जबान पर रसूलुल्लाह का फैजान बोलता है, वो नहीं बोलता फातह खैबर का किरदार बोलता। गौसे आजम की बारगाह में पहुंच गए लोग, पीराने पीर दस्तगीर उसी आयत की तफसीर बयान फरमा रहे जिस पर एतराज करने के लिए सब मंसूबा बना कर आए, और इस अंदाज से दर्श देना शुरू किया कि मोतरीज अभी एतराज क्या करता, उसके एतराज का वो जवाब देते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, एक का जवाब, जब जवाब हो गया तब एतराज करे कैसे। दूसरा सोचा मैं उठूं, मगर जुमा में बयान उस तरह फेरी,
और उसके اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھے اسی طرح 50 جید اور اپنے زمانے کے متبہر علماء کے اعتراضات کے جواب دے چکے اب حضرت شیخ فرماتے ہیں ابھی یہ قال کی منزل تھی اب ہم حال کی طرف پلٹتے ہیں اتنا فرمانا تھا لوگوں نے کپڑے پھاڑ دیے اور جنگل کی طرف نکل پڑے اور یہ 50 علماء وہ تھے اپنی دستارے اتاری اور قدم غوث اعظم پر ڈال کر کہہ دیا تھا اے میرے شیخ یہ دل ہے جگر ہے یہ آنکھ ہے یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم کو سے یہ ہیں سرکار پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت علمی اور میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت فدائے قادریت بلکہ ہمیں کہہ لینے دو کہ ہمارا امام صرف مجدد شریعت ہی نہیں ہے مجدد طریقت قادریت بھی ہے ہندوستان میں سلسلہ قادریہ کو بام عروج پر پہنچایا ہے تو امام احمد رضا نے پہنچایا وہ فرماتے ہیں کہ سرکار بغداد مقام اجتہاد پر فائز تھے یہ علماء جانتے ہیں آپ مستحدانہ شان کے مالک تھے مگر مذہب حنبلی کو آپ نے اپنایا اسی پر عمل کیا اور اسی پر فتویٰ دیا صرف اس لیے کہ ایک متدین امام ایک مخلص جلیل القدر محدث کا مذہب دنیا سے ناپید نہ ہو جائے اس لیے غوث اعظم نے حنبلی مذہب کو اپنایا اور جب اس مذہب کے دنیا سے ناپید ہونے کی منزل میں آپ نے اسے حیات بخشی ہے تو غیب سے آواز آئی انت محی الدین جیلانی اے عبدالقادر تو دین کو زندہ کرنے والا ہے ہمارا شیخ دین کو زندہ کرتا ہے جو دین کو زندہ کر دے وہ بدن کو زندہ کرنے سے زیادہ جلیل قدر ہوگا کہ نہیں ہوگا جسم کا علاج جسم کی زندگی الگ درجے کی بات ہے مگر غوث اعظم نے روح کو بیمار دیکھا اس کا علاج کیا روح مر رہی تھی اس کو زندہ کیا دین مردہ ہو رہا تھا اپنے کردار و عمل سے اپنے جولانی علم سے دین کو زندہ فرمایا عالم میں انہیں محی الدین جیلانی کہا جانے لگا ان کے حاسدین بد مذہب لوگ تھے آج اعلی حضرت سے بھی بغض و عداوت رکھنے والے بد مذہبی کے یہ تو قریب ہوں گے یہ سراسر بد مذہب ہوں گے ورنہ اعلی حضرت سے عداوت کی وجہ کیا سرکار اعلی حضرت سے کوئی ہمارا خاندانی جھگڑا ہے کہ ہم عداوت کریں کیا ان کے کسی خاندانی فرد نے ہماری زمینیں ہماری جائیداد ہمارا کوئی دنیاوی نقصان کیا ہے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں اگر جھگڑا ہے تو محبت رسول کے بنا پر ہمارا امام محبتوں کا امین ہے عظمت رسالت پناہی کا پاسبان ہے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں دشمنی کر رہے ہیں لوگ کیونکہ اعلی حضرت نے جو دین دنیا کے سامنے جو مسلک دنیا کے سامنے پیش کیا ہے دین صدیقی دین فاروقی مذہب مرتضوی مذہب قادری پیش کیا جس کے اندر رتب و یابس نہیں ہے وہی ہے جو کتاب اللہ نے کہا وہی ہے جو سنت رسول اللہ نے کہا اور دنیا چاہتی آج ہمیں آزاد کر دیا جائے ہم جو چاہیں وہ کریں اور پھر ہمیں کوئی بدکار نہ کہے زناکار یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کی آبرو ریزی کرتے رہیں پھر بھی پارسائی کا تمغہ ہمیں گلے میں پہنائے جائے چور چاہتا ہے ہم چوری کرتے رہیں تب بھی معاشرے میں ہمیں عزت سے دیکھا جائے شراب خور چاہتا ہے کہ جام پر جام لڑھائیں تب بھی اسے امیر قوم تسلیم کر لیا جائے تصویر کشی کو عام کر کے دنیا کو گمراہی کے کار مذلت میں ڈال دیا جائے تب بھی ہمیں محقق دورہ ہی کہا جائے آدمی کی خواہش بڑی عجیب ہے برائیاں نہیں چھوڑے گا اور برا کہلانا بھی پسند نہیں کرے گا امام احمد رضا نے جب تجدیدی کارنامے کا آغاز فرمایا
जब खिदमत दीन के लिए कलम उठाया तो बिदत करने वालों के बखिये उधेड़ दिए, एतकाद की दुनिया में शबखून मारने वालों की कलाइयां मरोड़ दी, अपने कलम खारा शगाफ से थाना भवन और नज्द के महल की बुनियादें हिला डाली। आज भी थाना भवन कराह रहा है और कह रहा है वो रजा के नेजे की मार है कि आदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। दुश्मनी है आला हजरत से। आला हजरत कह दें कि मजामीर के साथ में कवाली सुनना हराम है तो चिल्ला चिल्ली बना करके कौम की बहू बेटियों और बूढ़ियों से तावीज और दुआ के नाम पर माल ऐंठने वाले जटाधारी आला हजरत के दुश्मन हो गए। बोलो है कि नहीं? बड़ी सफाई से बात अर्ज कर रहा हूं, यही मसला क्या आला हजरत। इमाम अहमद रजा फरमा दें कि मजारात पर जब तक के चादर बोसीदा हो ना जाए, दूसरी चादर न डाली जाए, मुजाविरीन जिनका पेट ही चादर पर चल रहा है उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने इमाम अहमद रजा को राफजी और खारजी और क्या क्या कहना शुरू कर दिया। मोमबत्ती और अगरबत्ती पर जिनकी ऐशो इशरत की बुनियादें रखी हुई हैं, वो कब आला हजरत का मसला कबूल करेंगे? अब वो कहते हैं कि आला हजरत उर्स के दुश्मन थे। अबे उर्स के दुश्मन थे आला हजरत? उर्स तुम कर रहे थे, दलील इमाम अहमद रजा दे रहे थे, फातिहा तुम दिला रहे थे, दलाइल के अंबार इमाम अहमद रजा लगा रहे थे, तुम्हारे बाप दादों की कब्रों पर अजान न होती इमाम मोहम्मद रजा ने फतावे लिखकर अजाने कब्र के जवाब साबित करके उसका इस्तेहसान साबित करके तुम्हारे माँ बाप पर एहसान किया है कि कब्र में दफन करके कौम चली जा रही है, तलकीन मैयत की सुन्नत फरामोश किया जा रहा है, इमाम अहमद रजा ने तुम पे तो और तुम्हारे माँ बाप पर एहसान किया कि बादे दफन भी उनका हक तुमसे दिलवा दिया। किसको फिक्र थी और आज किसको फिक्र है? मैयत हो गई, जनाजा पढ़ाने का अहल नहीं है बेटा, जनाजा क्या पढ़ाए, गुस्ल नहीं दे सकता। जिंदा है अपना गुस्ल नहीं कर पा रहा है, मरे बाप का गुस्ल क्या देगा वो? यही है मसला क्या आला हजरत? नारे लगा लिया, मसला क्या आला हजरत जिंदाबाद, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। सच्चे मसला के आला हजरत के फरमाबरदार हो जाओ, ताबेदार हो जाओ, कम रहोगे कम में दम रहेगा। इस्लाम क्वांटिटी नहीं देखता, क्वालिटी देखता। अपने हालात बदलो। जनाजे की नमाज क्या पढ़ाएगा? गुस्ल नहीं दे सकता। अब उसके बाद में दफन वगैरह के मरहले, अब मस्जिदों के इमाम साहब पर बड़ी भारी जिम्मेदारियां, अगर एक दिन में 5-6 जनाजे हो गए तो इमाम साहब हफ्ता भर घर ही नहीं जा सकते। फातिहा पढ़ने भी, कब्रिस्तान जाना है, कब्र में उतारना भी है, बख्शवाना भी है, सब करना है। अब वो घर क्या जाए? घर में अम्मा बीमार हो या बीवी बीमार हो या बच्चे परेशान हो, इमाम साहब तुम तो इमाम हो ना, तुम्हारी जिम्मेदारी है ये, और बड़ी खूबसूरत से ये जिम्मेदारी अदा करवाते हैं। हजरत आप आ जाएंगे तो बरकत हो जाए, क्यों तेरे जाने से नहीं होगी? खाली दिनों में नहीं बुलाया कभी बरकत के लिए? सिर्फ बरकत ही होगी, सारी बरकतें ले लेगा, कुछ बरकतें देगा भी। अल्लाह तबारक व तआला हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। इमाम अहमद रजा से अदावत रखने वाले इन्हीं बुनियादों पर अदावत रखते हैं। आला हजरत ने मजारों के नाम पर, उर्स के नाम पर चादर के कारोबार को जायज नहीं कहा है, चराग और मोमबत्ती के नाम पर कौम को लूटने वालों के चेहरे बेनकाब किए हैं। अगर अकीदे के डाकुओं को नंगा किया है तो अमल के व्यापारियों को भी बेनकाब किया है। और फरमाया दिन लहो में खोना तुझे, शब देर तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, नाम पैगंबर आजम का लेता है, मोहब्बत रसूल के दावे करता है, चेहरे पर दाढ़ियां नहीं रखता है, नमाज के लिए अजान हो रही है, मुनादी अल्लाह का मिंबर से मीनारों से पुकार रहा है, हैया अलस सदा की सदाएं दे रहा है, लगा हुआ है मोबाइल के ऊपर, यूट्यूब देख रहा है, क्या कर, अरे वो मौलाना की नाज सुन रहा हूँ, यूट्यूब पे सुन रहा है,
यूट्यूब पे तकरीर सुन रहा है, इतना शौकीन था तो जलसा कराने वालों ने उलमा को बुलाया, मुफ्तियों को बुलाया, क्यों नहीं सुना? आज जिक्र नहीं सुना जा रहा है, कानों की लज्जत का सामान ढूंढा जा रहा है, कौन कैसे इतराता है, किसकी अदाकारी कैसी है, किसकी आवाज कैसी है, किसका तरन्नुम कैसा है। तरन्नुम न देखो, दिल का जेरो बंद। कौम बहुत अजीब मरहले से गुजरी जा रही है और दीन के नाम पर दुनिया साजी का माहौल बन रहा है। आला हजरत ने इन तमाम चीजों के खिलाफ कलम उठाया। एक मकाम पर आला हजरत ने मीलाद से मुतालिक लिखा है, ये भी मसला सुन लो, हम मुजरिम हैं, हमें भी अपने जराइम का इतराफ करते हुए माफी मांगना चाहिए, हम खाती हैं, हमें भी रुजू इलल हक की तौफीक मिलना चाहिए। आला हजरत से किसी ने मीलाद से मुतालिक सवाल किया, मुफ्ती साहब बैठे हैं, इनसे भी जाकर दारुल इफ्ता में पूछ लेना, इंशाल्लाह मेरी बात के अमीन है और उसकी तस्दीक करेंगे। आला हजरत से किसी ने मीलाद से मुतालिक सवाल किया, मीलाद में चौकी बिछाई जाती है, चांदनी बिछाई जाती है, खुशबू का इंतजाम, इन तमाम बातों के लिए आला हजरत ने फरमाया, ये इजलाल जिक्र के लिए है, मुस्तहसन व मंदूब है। खुशबू लगाना इजलाले जिक्र के लिए, ये मजलिस आज आपने गौसे पाक के नाम की कायम की है, ये बिछावन का, ये नशिस्तों का आपने इंतजाम किया, ये आपकी अपनी सलाहियत। अगर अल्लाह दौलत दे इस मजलिस को खुशबुओं से मुअत्तर कर दो, ये मुस्तहसन है, मंदूब है, मुस्तहिक अजर हो गए ये काम करके। मगर अब मीलाद की चौकी पर उम्दा आवाज के मालिक दाढ़ी मुड़ाने वाले को बुलाया, बड़ा अच्छा पड़ता है, तरन्नुम बड़ा प्यारा है, आवाज बड़ी सुरीली, ऐसा लगता है कोयल गुनगुना रही है। आबशार का तरन्नुम भी इसके आगे बेअसर होता जा रहा है। पूछने वाले ने पूछा, दाढ़ी मुड़ाने वाला मीलाद पढ़ने के लिए उसे बुलाया जाए, फरमाया हराम अशद्द हराम है, उसे हक नहीं है मीलाद पढ़ने का, फासिक की तौहीन वाजिब है। जो दाढ़ी मुड़ाता है बोलो फासिक मौलिन है कि नहीं है, झूठ बोलता है अल एलान फासिक है कि नहीं है, दगा देता है अल एलान फासिक है कि नहीं है, बाजारों में चलते फिरते नंगे सर खाता है, मर्दूदु शहादा है, गवाही काबिले कबूल नहीं है, जो ऐसा फासिक हो महजावास की बिना पर मिंबर पर बिठा देना, चौकी पर बिठा देना और नीचे बैठकर जिक्र रसूल करना, क्या तुम रसूलुल्लाह के हुक्म को तोड़ नहीं रहे हो? ये मीलाद नहीं मनाया जा रहा है, साहिब मीलाद के हुक्म के खिलाफ फर्सी की जा रही है। वज़ऊ शय गैरा महलिन फहुवा ज़ुल्म, किसी भी शय को उसके मकाम से अलग करके रखना यह जुल्म है। फासिक की ताजीम कर रहे, कितने हिफ़्साक हैं जो आज कौम के मिंबर पर, मिंबर रसूल पर खड़े होकर कौम के सामने कोई लचक कर, कोई उछल कर, कोई बैठ कर, कोई मचल कर, क्या क्या तुकबंदियां, नातों का तकद्दस जाइल होता चला जा रहा है, इजलाले जिक्र दिलों से महव होता जा रहा है। हमने नाज सुनी है अपने मुर्शिदे बरहक की बारगाह में, मेरा वो मुर्शिद मेरे नसीबे पर मैं जिस कदर शुक्र अदा करूं अल्लाह का कम है, मेरे इन हाथों ने आला हजरत के तिलमीज़े रशीद, उनके खलीफे राशिद, खातिमुल खुलफा, बुरहानुल हक, बुरहानुत्तिब, बुरहानुस्सुन्ना, हजरत सैयदना बुरहान मिल्लत का मैं खादिम और गुलाम हूं, उन्हीं के हाथों में हाथ देकर मैंने बैत की है। आला हजरत मेरे दादा पीर हैं, वो बुरहानुल हक जिनकी जात पर अल्ताफ व इनायात की बारिश करते हुए आला हजरत ने कहा था, आलुर रहमा बुरहानुल हक शर्क पे बर्क गिराते ये हैं, वो हैं सरकार बुरहाने मिल्लत। मैं उनकी बारगाह में हाजिर था, कम उम्री में शर्फ गुलामी मिल गया था और उन्हीं की दुआए मुअल्ला का ये समरा है कि आज उलमाए किराम की जूतियां सीने सीधी करने की कुछ सआदतें मिल जाया करती हैं, ये उन्हीं बुजुर्गों का करम। मजलिस में एक साहब हाजिर थे, कहा हुजूर मैं नाशरी पेश करना चाहता हूँ।
हजरत ने इजाजत दे दी। उम्र मुबारक तकरीबन 98-97 बरस की है, मगर जुमे की नमाज खड़े होकर के पढ़ाया करते थे। ऊपर से जब बाला खाने से नीचे लाया जाता, वो बाला खाना जहाँ आला हजरत ने 1 महीना 5 दिन क्याम फरमाया, उस बाला खाने से जब बुरहान मिल्लत को नीचे लाते तो ऐसी कुर्सी होती थी और दो लकड़ियां सामने होती, दो पीछे, चार लोग कांधे पर उठाकर हजरत को लाते, मगर सुन्नतें खड़े होकर अदा फरमाते, फर्ज नमाज खड़े होकर पढ़ते और दुरूद गौसिया मजलिस गौसिया कई निकात हर जुमा होता तो जिस कदर हिम्मत होती खड़े होकर दुरूद पढ़ते और फिर बैठ जाते। बकिया आपके शहजादगान मुरीदीन 100 मरतबा दुरूद की तादाद मुकम्मल करते, फिर सलाम बारगाह खैरुल अनाम में पकड़ कर उठाया जाता, खड़े होकर पढ़ते। और जो मिजाज आशना होते थे चंद शेर सलाम पढ़ते के हुजूर के खड़े होने में जहमत होगी, मगर कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं हजरत के सामने मौका मिला तो पूरा दीवान ही पढ़ेंगे। ये भी एक बहुत अजीब बीमारी है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो किताबुल इल्म में एक हदीस है कि इल्म की बात भी रात को इतनी देर किया करो कि कौम उकता ना जाए, है ना, उकता जाएगी तो कल आएगी नहीं, इसलिए एक हद मुअय्यन ना। हजरत के बारगाह में किसी ने कहा कि हम नात पढ़ना चाहते हैं, हजरत ने इजाजत दे दी, क्योंकि नात शरीफ पढ़ना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है। अब उन्होंने नाज शरीफ पढ़ने से पहले थोड़ा अपना खगारा और जरा मुंह बंद के जो गुनगुनाया, जलाल में आ गया क्या राग राग में लगा रखे हो, सीधी तरह नात पढ़। अब उसके बाद एक मिजाज आशना नात खां, मेरे बड़े करीबी दोस्त, उम्र में मुझसे तकरीबन 10 साल बड़े, जनाब सलीम नूरी साहब जबलपुर के, बड़े उम्दा पढ़ने वाले। उन्होंने साहब जब पढ़ा है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, आला हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हु का यह फर्जंद रूहानी आलम वज़्द में आया, हिचकियां ले लेकर रोते थे, रीशे मुबारक आंसुओं से तर हो गई थी, पूरा जिस्म लरज रहा था, ये नात के तकद्दस का आलम था। और जब शेख की आंखें भीग गई हैं तो छलकता हुआ मारफत का जाम मुरीदों के सीने पर भी आया और आंखें बह पड़ी है। यह है नात का तकद्दस, यह है जिक्र मुस्तफा के इजलाल का मकाम। आज हमने ये सारी चीजें जाया कर दी हैं और जाया करते जा रहे हैं। अब हमारे जैसे आदमी की गुफ्तगू को लोग कहेंगे कि ये तंग नजर हो गया है, हमारी मुखालफत कर रहा है। हम किसी की मुखालफत नहीं कर रहे हैं, हम उस चीज के मुखालिफ हैं जो अल्लाह और रसूल की शरीयत के मुखालिफ है, हम उस चीज के मुखालिफ हैं जो पैगंबर इस्लाम के कानून के मुखालिफ है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के इजलाल को बरकरार रखो, उनके जिक्र को जरिए शोहरत न बनाओ। अगर मकबूल हो जाओगे तो तुम्हारा और हमारा इमाम कह रहा है, ए मेरे चाहने वालों सुनो सुनो, मुस्तफा जाने रहमत के नाम पर जो मरता है ना, मरता नहीं, फरमाते हैं मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। मिट के तो देखो उनके नाम पर, खुद को मिटा तो दो। और हमने देखा है मिटते मिटते नाम कैसे होता है। हुजूर सरकार अमीन शरीयत के मजले भाई सदरुल उलमा अल्लामा तहसीन मियां अले रहमत और रिजवान, सैयदी सरकार ताजु शरिया बड़ा एहतराम करते थे उनका, और भाई साहब कहते थे हुजूर अमीन शरीयत को भी भाई साहब ही कहते थे ताजु शरिया। हजरत सैयदना सदरुल उलमा अलैहि रहमत व रिजवान दरसगाही आदमी थे, बड़े आलिम फाजिल, मगर बरेली शरीफ के बाहर मखसूस उलमा के अलावा लोग जानते नहीं थे उन्हें। सही अर्ज कर रहा हूं, कोई उनकी शोहरत नहीं थी, क्योंकि जलसे जुलूस वाले आदमी थे, पीरी मुरीदी का भी मामला नहीं था, सफर करते नहीं थे। मगर जब अल्लाह ताला ने उनकी विलायत व अजमत को बेनकाब फरमाना चाहा, मखलूक के दिलों में उनकी हुक्मरानी कायम फरमाना चाही, तबलीग दीन की राह में वो बंदे खुदा जामे शहादत नोश कर गया। और जब जामे शहादत नोश करता है, शहर नागपुर से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर हजरत की कार का हादसा हुआ, उसी हादसे में शहीद हुए, खबर आई जुमे का दिन है, पूरा नागपुर सोगवार हो गया। जानते नहीं थे लोग सदरुल उलमा कौन है,
अल्लामा तहसीन मियां कौन है? मगर शहादत के बाद नागपुर नहीं पूरा आलम इस्लाम जान गया। ये वो है जो ममदूह ताजु शरिया है, ये वो है जो मंजूर निगाह मुफ्ती आजम है, ये वो है जो अपने जमाने के सदरुल उलमा है। जान दे दो आज कुवे यार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। शोहरत के तमन्नाइयों मिटना सीखो, मिट जाओगे नाम हो जाएगा। सरकार बगदाद पीरान पीर दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु को तस्करा है। वक्त काफी हो गया, बस का मेरे टाइम है, रुखसती का वक्त है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ से चला था, कहाँ पहुँच गया। सरकार बगदाद का वाक़ सुना दूँ बस मुख्तसर, के हसद करने वाले लोग थे। चूँकि आप राफजियों के ख़िलाफ़ तकरीर फरमाते, आप मोतज़ला के ख़िलाफ़ तकरीर फरमाते, फ़िरक़े मुर्जिया का आप रद्द फरमाते, फ़िरक़े कदरिया का आप रद्द फरमाते, जितने भी बातिल फ़िरक़े उस ज़माने में थे, शेख अब्दुल क़ादिर ने सबकी गर्दने मरोड़ डाली थी। आपने बड़े बड़े सरमायादारों को ठोकर मारा था। ज़ोहद के नाम पर दुनिया को धोखा देने वाले बनावटी सूफियों के चेहरे बेनकाब किए थे। चंद गुस्ताखों ने एक मस्नूई जनाजा तैयार किया और यह मंसूबा बनाया कि हम ले चलते हैं पीराने पीर की बारगाह में, हजरत से कहेंगे हजरत जनाजा पढ़ा दो। जब हजरत आएंगे जनाजा पढ़ाने तो ये जवान आदमी जो मुर्दा बना लेटा है, हजरत जैसे कहेंगे अल्लाहु अकबर वो खड़ा हो जाएगा। हम लोग मजाक बनाएंगे, लो अब्दुल कादिर जीलानी की करामत का शोहरा है। हाल यह कहते हैं लौह महफूज देखता हूँ और यहाँ सामने गहवारे में पड़ा मुर्दा है या जिंदा नहीं देख पाए। वो अपनी सी लेकर आए मगर वो नहीं जानते थे रब ताला के प्यारे रसूल फरमाते हैं इत्तकु फरासतल मुमिनीन लअन्नहु यंजरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फरासत ईमानी से डरो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। आए वो लोग, आका हमारा बेटा मर गया है जनाजा पढ़ दे। हजरत ने फरमाया जाओ किसी और से पढ़वा लो, किसी और से पढ़वा लो। कहा नहीं हजरत आप पढ़ा दें। नहीं नहीं किसी और से पढ़वा लो। मगर वो लोग बड़े मुसीर हुए क्योंकि मंसूबा यही था आज करामत बेनकाब करना है। शेख को जलाल आ गया, निगाहें बदल गई, कहा पढ़ा दो। मंसूबा बना कर आने वाले थोड़ा लड़जे और बाप उस नौजवान का वो तो कांप ही गया, क्या जवाब दे। मगर लोगों ने कहा नहीं नहीं हजरत पढ़ा दो। हजरत गए मुसल्ले पर खड़े, अल्लाहु अकबर, जनाजे की नियत बांध ली। अब लोग देख रहे हैं कि अब उठता क्या उठता, जनाजे में लेटा हुआ है, मुर्दा बना हुआ है, हजरत ने नियत बांध ली अल्लाहु अकबर, ये झांक रहे हैं मगर वहां कफन में जरा सी जुम्बिश भी नहीं हो रही है। दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर। अब जरा गर्दन ये लोग ऊंची करके देख रहे हैं कि उठता क्या, मगर वहां कोई हलचल नहीं। तीसरी तकबीर हो गई, जवान का बाप बेकरार हुआ, मेरा एक लौता था अब क्या होगा, दिल लरज रहा है, पत्ते की तरह कलेजा कांप रहा है। चौथी तकबीर कह के सलाम फेर दिया, बाप मचल कर बेटे की लाश पर गिरा, मेरे लाल क्या हो गया, उठता क्यों नहीं। शेख ने फरमाया अब्दुल कादिर ने पढ़ा दिया है, कयामत से पहले नहीं उठेगा। कहर से देख ले शादाब चमन जल जाए, निगाहे कहर डाल दी, जिंदा था मुर्दा हो गया। रहमत की तजल्ली देखो, जवानी का आलम बगदाद में भी इब्तदाई दौर है। दजला के किनारे से गुजर रहे हैं, एक बुढ़िया जारो कतार रो रही है, हाय मेरी परेशानी, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी किस्मत, वाय तबाही, रो रही है। शेख आगे बढ़े, देखा कौन है, आंखों से अंधी हो गई है,
नजर भी नहीं आ रहा है, जारो कतार रो रही है, ऐसा गिरिया कर रही है कि दरिया के पानी को भी पानी पानी हो जाना पड़ा। रोने वाली रो रही है। शेख आगे बढ़े, ऐ माँ बता किस बिपता की बिना पर रो रही है, कौन सी इफ्तात तुझ पर आ पड़ी है। बुढ़िया ने कहा जाओ जाओ, तुम क्या पूछते हो, मैं करमजली रो रही हूँ, रोने दो। शेख ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें बताना होगा। बुढ़िया ने कहा क्या बताऊं, गमे हिजरा का दर्द मैं ही जानती हूँ, कुल्फत की असियतें मैं ही जानती हूँ, शबे तिजूर की इन पुरखार वादियों में एक दो साल से नहीं 12 साल से सर टकरा रही हूँ। बहुत सारों ने पूछकर जख्मों को कुरेदा है, मरहम रखने वाला कोई नहीं। कहा ए माँ वो और थे जो जख्म खोल कर चले गए, मैं तेरे जख्मों का मरहम लेकर आया हूँ, इन दिमाले जख्म का मैं मरहम लेकर आया हूँ। बता तो सही मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूँ, बोल तो सही क्यों रो रही है। कहा ए बेटा, ए अब्दुल कादिर, जब तुम आए हो तो सुनो, 12 साल पहले मेरा इकलौता बेटा, जवानी की उम्र है, शादी के लिए उसकी बारात इसी दरियाए दजला से उस पार गई थी, वहां से दुल्हन ब्याह कर ला रहा था, मैं इस किनारे अपने बेटे की आने वाली बारात का इंतजार कर रही थी। आई कश्ती करीब हमारे, बेटे के सेहरे की एक झलक मैंने देखी है, अपनी बहू के घूंघट की चिलमा घूंघट की हमने वो रानाइयां देखी, और दिल बेकरार था कि करीब आए तो सीने से लगा लूं। अचानक एक मौज बेरहम उठी और सफीना डूब गया। मेरी निगाह के सामने मेरी तमन्नाओं मेरी उम्मीदों का गुलशन ताराज हो गया, मेरी नजरों के सामने मेरी उम्मीदों का ताजमहल मिसमार हो गया। अब्दुल कादिर जज्बात की ताम तर तवानाइयां इसी दजला के अंदर डूब कर खत्म हो गई। अब शबे तन्हाई के अलावा कुछ न रहा, फिक्र फिराको हिजर की अजियतों के अलावा जिंदगी में कुछ न रहा। रोती हूं कि शायद आंसुओं ही की वजह से मेरे जख्मों के अंगारे बुझ जाए। शेख ने दर्द भरी यह दास्तां सुने, हुक्म दिया ए दजला, अब्दुल कादिर कहता है कि इसके बेटे की बारात वापस की जाए। आवाज आती है दरिया के कतरों से, ए शेख कैसे वापस किया जाए, 12 साल पहले कश्ती डूबी थी, अब तो तख्ते भी सलामत न रहे, लाश को मछलियों ने खा लिया, मछलियों को आबादियों ने खा लिया, कोई नामो निशान न रहा, कहां से वापस लाएं। मगर वो शेख जो असरारे इलाहिया का महबत बनकर आया है, अपनी तजल्ली डालता है दरियाए दजला के सीने पर, हुक्म दिया बारात वापस चाहिए। पलकें खुली है तो हैरत के साथ खुली कि 16-12 साल पहले डूबी हुई बारात उसी शान से चली आ रही है। दुल्हन के हाथों की मेहंदी की रंगत भी सलामत है, दूल्हे के सेहरे की लड़ियां भी सलामत है, बारात में वही खुशी है। बारात के नारे आई, कहा ए ज़ईफा मां देख तेरे अरमानों का चमन आबाद हो गया। कहा अब्दुल कादिर कैसे देखो, आंखें तो नहीं है, नजर मार नजर डाली है, दामन की हवा दी है, बुढ़िया की आंखें रोशन हो गई, कहर से देख ले शादाब चमन जल जाए, मुस्कुरा दे तो अंधेरे में उजाला हो जाए।